Hello students, this is the video lecture of communication methods for the chopper. Communication methods, that is very important to all of you. Okay, in details, you may study in the case of thyristor topic. Okay, there are various communication methods like class A, class B, class C, class D, class E commutation or line commutation, force commutation, rear end pulse commutation, impulse commutation, like that. Okay, similarly, those commutation methods are applied in the chopper circuits. Okay, this is just an introduction. Okay, next video lecture में हम लोग बात करेंगे voltage commutation for the chopper, voltage commutated chopper and line commutated, sorry, load commutated or current commutated chopper. A chopper uses two types of circuits. One is low and high power level circuit, in which हम लोग पावर ट्रांजिस्टर, IGBT, GTO ये सब जो हम यूज करते हैं वो लो पावर सर्किट में यूटिलाइज करते हैं. बट फोर्स कम्यूटेटेड जो थायरिस्टर्स है या SCR है, दे आर यूज्ड विथ हाई पावर लेवल ऑफ द चॉपर सर्किट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन इसी कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग चॉपर भी जो भी इस्तेमाल करेंगे इन द केस ऑफ हाई पावर लेवल, दे must uses the force commutated SCR. Okay, now in the high power chopper, line commutated thyristor is not used. Why? Because chopper is the DC to DC converter in which fixed DC is converted into its equivalent variable DC, and line commutated chopper जिसमें input AC देते हैं, then this is not possible with the chopper. Hence line commutated chopper, line commutated chopper or thyristor is not used. Now, force commutation में जो है हम लोग दो element utilize करते हैं, L और C. जो external element है, okay, which do not carry the load current continuously, यानी कि लगातार वो current को carry नहीं करता है. It is just another introduction. Okay, after that हम लोग देखेंगे circuit में कैसे utilize करते हैं हम लोग इसको. Okay, we do not carry the load current continuously. Here L and C are used to turn off the main thyristor by the following two ways. यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर को जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर, टू टर्न ऑफ द चॉपर, ओके, बाय द फॉलोइंग टू वेज. फर्स्ट वन इज वोल्टेज कम्यूटेशन एंड अनदर वन इज करंट कम्यूटेशन. जैसा नाम है, हम लोग वोल्टेज के थ्रू कम्यूटेट करते हैं. कम्यूटेट करने का मतलब क्या है कि इस डिवाइस को ऑफ करना या थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना. ओके, तो वोल्टेज कम्यूटेशन में क्या है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं. वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो लार्ज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द थायरिस्टर. लार्ज रिवर्स वोल्टेज आता कहां से है, ओके, ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर जो है हम लोग सडनली अप्लाई करते हैं अक्रॉस द मेन थायरिस्टर, विच रिवर्स बायस द थायरिस्टर. ओके, ये बात यहां लिखा हुआ है. इन दिस मेथड ए लार्ज रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू कम्यूटेट द मेन और कंडक्टिंग थायरिस्टर. Here, large reverse voltage is obtained by already charged capacitor. This is very important. Already charged capacitor. With the switching on of already charged capacitor, जैसे already charged capacitor जो circuit में लगा हुआ है, जैसे switch on करते हैं, वैसे ही एक बहुत ज्यादा voltage apply होगा. Sudden applied voltage, high voltage across the thyristor reduces the एनोड करंट टू द वैल्यू बिलो ऑफ द वैल्यू ऑफ होल्डिंग करंट. हम लोग जानते हैं एक थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए, ओके, होल्डिंग करंट से जैसे उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है होल्डिंग करंट से बिलो जाएगा, वैसे ही थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. तो जैसे IS से बिलो किया वैसे ही SCR हमारा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा. दिस इज द कम्यूटेशन. इन द करंट कम्यूटेशन टेक्निक और स्कीम एन एक्सटर्नल करंट, मतलब एक एक्सटर्नल करंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर देन लोड करंट, विच इज पास्ड इन रिवर्स डायरेक्शन थ्रू द मेन SCR. यानी कि थायरिस्टर के थ्रू इधर से करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाते हैं. ओके, बाय यूजिंग द इनिशियली चार्ज्ड कैपेसिटर एंड
एज द करंट बिकम्स इक्वल टू लोड करंट, जैसे ही लोड करंट के बराबर होगा ओके वैसे ही नेट करंट क्या हो जाएगा जीरो और डिवाइस क्या हो जाएगा टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करंट कम्यूटेशन में जो इस्तेमाल करते हैं एक डायोड होता है मेन सीआरटी एंटी पैरेलल में करंट एंटी पैरेलल, दिस इज पैरेलल कनेक्शन दिस इज एंटी पैरेलल कनेक्शन एंटी पैरेलल सो दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड आल्सो रिवर्स बायस द मेन सीआर। नाउ नोट में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कम्यूटेशन टाइम इन करंट कम्यूटेशन इज मोर देन दैट इन द वोल्टेज कम्यूटेशन ओके एंड इन बोथ कम्यूटेशन स्कीम इट इज इनिशिएटेड बाय द ऑक्सिलरी एससीआर, यानी कि मेन एससीआर के अलावा भी एक एससीआर होगा जो कम्यूटेशन स्कीम में काम देगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी एससीआर। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ओके वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर।